आज का टॉपिक है, दो देशों का झंडा एक जैसे क्यों? रोमानिया के झंडे पर एक नजर डाल, अब चाड के झंडे पर एक नजर डाल, तो आखिर दो बिल्कुल अलग देशों का झंडा एक ही कैसे हो गया? खैर, 1800 के दशक के मध्य में रोमानिया इस ध्वज को अपनाने वाला पहला देश था। हालांकि 100 साल से भी कम समय के बाद द्वितीय विश्व युद्ध, रोमानिया एक साम्यवादी राज्य बन गया और अपने झंडे के ठीक मध्य में एक मुहर लगाई। कुछ साल बाद चाड फ्रांस से स्वतंत्र हो गया और उसने इस फ्रांसीसी प्रेरित ध्वज को अपना, क्योंकि उस समय रोमानिया के झंडे के बीच में यह मुहर थी, इसलिए उनके झंडे एक जैसे नहीं थे। हालांकि रोमानिया में साम्यवाद के पतन के बाद उनके झंडे से मुहर हटा दी गई, जिससे यह चाड के ध्वज के समान हो गया। चाड इस बात से काफी नाराज थे, इसलिए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में अपील की और रोमानिया से अपना झंडा बदलने के लिए कहा। रोमानिया ने बस यह कहते हुए मना कर दिया। वे 1800 के दशक से ध्वज का उपयोग कर रहे हैं,